दिसंबर 1924 में पैदा हुए थे। वो हिंदुस्तान में 10 बार मेंबर पार्लियामेंट बन के हिंदुस्तान की असेंबली में, हिंदुस्तान की जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें मेंबर बन के जाते रहे। उन्होंने तीन बार वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस से नहीं थे, आउट ऑफ कांग्रेस। पहला प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बना भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी जो इसकी महात्मा गांधी के जो हिंदुस्तान आज़ाद होने का ख्वाब जो उन्होंने देखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हैंडपंप जैसी स्कीमें जो आज जिससे बच्चा बच्चा उनको जानता है, और जिससे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत लाई है, तो वो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। ये भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर जो है अटल बिहारी वाजपेयी के फाउंडर भी थे, और उन्होंने जो काम किए, करगिल वार जो बड़ी संजीदगी से उन्होंने लड़ी, अपनी हिंदुस्तान की ज़मीन जो है एक इंच भी पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ी, संजीदगी से जंग लड़ा, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को जंग से बचा लिया बड़ी संजीदगी से। लाहौर से, दिल्ली से लाहौर बस यात्रा की, जिसमें पाकिस्तान के साथ उन्होंने अच्छे सलूक किए। सीज फायर जिसका उल्लंघन आज भी हो रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के वक़्त उन्होंने बड़ी संजीदगी से फैसला किया। जब उन तक उनकी गवर्नमेंट रही तो ये जो बॉर्डर की टेंशन ये ख़त्म रही। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कामों की अगर तफसील कोई बताए तो वो तो बता ही नहीं सकता है, मैं क्या 2-4 मिनट में आपको बता सकता हूँ। मगर हिंदुस्तान को आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई, और सच्ची आज़ादी जो है उसके जो जिनका जो मंशूर था वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू किया, और जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अटल बिहारी वाजपेयी का दिन जो है बड़े इज्जत और एहतराम से मना रहा है। और आज का दिन जो गुड गवर्नेंस के हिसाब से भी मनाया जाता है गवर्नमेंट के सरकारी तौर से, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन एक बड़ा मोहतबर दिन है, और ये फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। वही आज हम ज़िला पुंछ की तरफ से आज मना रहे हैं। थैंक यू।